हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास सेकेंड स्टूडेंट टुडे वी शॉल स्टडी चैप्टर ट्वेंटी टू द नेम ऑफ द चैप्टर इज अवर अर्थ हमारी पृथ्वी वी आर डू बी ऑल लिव हम सब कहाँ रहते हैं वी ऑल लिव ऑन द अर्थ हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं देयर आर मैनी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ पृथ्वी पर कई भूमि रूप हैं दिस मेक्स अवर अर्थ ब्यूटिफुल यह हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाता है फ्लैट पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स भूमि के समतल भाग को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर हम रहते हैं उसे प्लेन्स कहते हैं मीन्स हम सभी लोग समतल स्थान पर रहते हैं ये भी कह सकते हैं कि हम सभी लोग समतल भूमि पर रहते हैं या मैदानी क्षेत्र पर रहते हैं रेस्ट लैंड आर कॉल्ड हिल्स उभरी हुई भूमि को पहाड़ी कहा जाता है वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेंस बहुत ऊँची पहाड़ियों को पहाड़ कहा जाता है लैंड बिटवीन टू माउंटेंस और हिल्स इज कॉल्ड वैली दो पहाड़ों या पहाड़ियों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है वैलीस आर ब्यूटिफुल प्लेसेस घाटियाँ खूबसूरत जगह है इंडिया कश्मीर वैली इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स ब्यूटी भारत की कश्मीर घाटी अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है सम पार्ट ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ वाटर भूमि का कुछ हिस्सा पानी से ढका हुआ है दे हैव डिफरेंट नेम्स उनके अलग अलग नाम है जैसे कि रिवर रिवर्स मींस नदी पॉन्ड पौंड मींस तालाब स्ट्रीम स्ट्रीम मीन्स धारा सी सी मीन्स समुद्र आइए बच्चों अब हम रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वी ऑल लिव ऑन लैंड हम सभी जमीन पर रहते हैं लैंड हैज वेरियस फॉर्म्स कॉल्ड लैंड फॉर्म्स भूमि के विभिन्न रूप हैं जिन्हें भूमि रूप कहा जाता है वॉट आर हिल्स एंड माउंटेन्स

वैलीस हम सभी लोग कहा रहते हैं प्लेन एरिया में रहते हैं डे आर द फ्लैट सरफेस ऑन द अर्थ हिल्स माउंटेन्स प्लेन्स वैलीस धरती पर समतल भाग को क्या कहते हैं या कौन सा होता है तो समतल भाग कौन सा होता है प्लेन्स लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड दो माउंटेन या हिल्स और माउंटेन्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है तो क्या कहते हैं thank यू